पता है तुम्हारे दोनों बेटे परदेश में हैं। आपको लगता है कि दशरथ आपके बस में है, लेकिन आप उनकी कपट भरी चाल को नहीं समझती कि नींद बहुत प्रिय सेज तुम्हें तो तोषक पलंग पे सोनकर आनंद लेने की जो आदत है। क्यों जी? कहे नींद बहुत प्रिय सहज तुराई, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है ना नींद, पलक पे पड़े होकर सोने रहने की आदत है। लखो न भूप कपट चतु, तुम राजा की कपट भरी चाल को नहीं समझती हो। तो सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रान अब रहु अरगानी। अभी तक शारदा का प्रभाव केकई पे नहीं पड़ा, चुकी और डांट कर बोली, चुप हो जा तू, दोबारा ऐसा मत बोलनिया, और अगर दोबारा बोलेगी तो क्या होगा कि पुनिया सका बहू कहसी घर फोरी, घर पूरी के कई ने कहा, सुन पुण्यस कबहु कहसि घर, पुण्या नहीं दोबारा, अस कहसि दोबारा, फिर अगर कैसा कहा घर फोड़ने वाली चुड़ैल घर फोड़ी तो तब धर जीभ कड़ावऊं, तो तेरी जुबान खींच के हाथ में दे दूं, लेकिन सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देख। जिनकी आदत बिगड़ गई वो कभी सुधरे ही ना, कि कहने खोरे कुबरे। गौड़ा में तिवारी जी, आगे वाली लाइन बदल देता हूं कि कहने खोरे कुबरे कुटिल कुचाल जानी, विशेष पुनिचेर कही भरत मात मुसका। काना खोरा कुबरा कुटिल और कुचाली, इनकी बातों को ध्यान माना रखते हुए हल्की सी मंद मुस्कान भरत की माँ यानी केकई मुस्करा दी कि प्रिया बदनी सीख दीन हो तो सपन हो तो पर उपनमो कही है यहां पर केकई ने। केकई ने कहा प्रिय बदनी सिख दीनऊ
तो ही परम प्रिय मंथरा मेरी सखी मेरी स्तुति सुन, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है कि सपन हूं तो पर कोप ना मोहि, मुझे स्वप्न में भी कभी तुझ पर क्रोध नहीं। और सुन, तू कहती है ना राम का राज्य अभिषेक, तो सुदिन सुमंगल दायक सोई, मेरे लिए शुभ दिन वही होगा, सारे मंगलों को देने वाला वो दिन होगा, तोर कहा पुर जेहि दिन होई, जिस दिन तेरी मुख से निकली हुई बात पूरी हो जाएगी, राम का राज्याभिषेक होगा, उससे सुंदर शुभ दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। हम भी कहते ना तेरे मुंह में घी शक्कर। और सुन कि जेठ स्वामी से वचन गुभाई, सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और वास्तव में तूने जो बात कही कि राम तिलक जो साचे ही काली, अरे मंथरा वास्तव में अगर कल ही भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो देव माग मन भावत आली, अगर कल ही भगवान का राज्याभिषेक है तो माग माग तुझे जो भी चाहिए, तेरी मनभावन वस्तु तुझे दे डालूंगी मेरी सखी, तू मेरी प्रिय दासी। अभी केकई पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन क्या करोगे कि जिनकी आदत हो, जिनकी आदत बुरी लाखों को, दर असल वो बदलती नहीं है, दर असल वो बदलती नहीं है, जिनकी आदत बुरी लाखों को, जिनकी आदत हरी में
बदलती नहीं है, नहीं है तेरे असल वो बदलती नहीं है, कई जब उसकी बात नहीं समझती है। मंथरा ने अंत में एक शब्द कहा कि कर कुरूप विधि परवस कीना बोवा सुलनीय नहीं जो दीना। अरे अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती है तो को नृप हो ही हमें का हानी। मेरी तरफ से तो राजा चाहे राम हो या भरत, चेरी छाड़ अब हो बना रामी, मैं तो दासी हूं दासी ही रहूंगी। जा रहे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख ही न जाए। राजा कोई भी हो मैं तो रानी बनूंगी नहीं, दासी की दासी रहूंगी। लेकिन हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं, ताते कछुक बात अनुसारी क्षमीय दोष बड़ी चूक। इसलिए मैंने अपनी कोई बातें रखी है, हे देवी मुझे माफ करो मुझसे गलती हो गई। तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीयदर बुधिरान, सुर माया बस वेर निह सुहित जान पतया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, कपट भरी बात गूढ़ता से प्रिय के जैसा सुनने के बाद देवताओं के द्वारा प्रार्थना स्तुति के बाद शारदा ने जो बुद्धि फेरी थी उसके प्रभाव में आकर के मंथरा की बात पर केकई ने विश्वास कर कि सादर पुनि पुनि पूछत वही सबरी गान मृगी जन मोही, तसी मत फिर आहि जसी भावी रहस्य चेरी घात जन। उनकी ऐसी बुद्धि फिर गई कि जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए चोर में खड़ा हो, किनारे में खड़ा हो, वोट में खड़ा हो, जैसे कोई बगला शिकार के घात में लगा कर बैठा हो, चोर चोरी के लिए बैठा हो और तुरंत चोरी कर ले, इतना तीव्र प्रभाव पड़ गया कि तुम पूछो मैं कहत डरा हूं धरे हूं मोर घर फोरी ना हो। अब आप पूछते हो और मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि मैंने तो आपके लिए अच्छाई की बात करी देवी और आपने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। सच प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध साढ़े साती तब। यह अयोध्या जितनी सुंदर सजी है ना, मंथरा कहती है कि जितनी ये सुंदर अयोध्या सजी है इससे मुझे संकेत मिल रहा है कि जैसे अब अयोध्या पे शनि की साढ़े साती लग गई हो। प्रिय सिय राम कहां तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बदल गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, सारी बातें आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी, ये रामायण कह रहा है। रहा प्रथम दिन, रहा प्रथम अब ते दिन भी तेरे के कई, जो पहले के दिन थे वो तो चले गए, अब ऐसी बात नहीं है। समौ फिरे रिप होई प्रीति, हे रानी
अब वो बात नहीं है। समय फिर जाने पर समौ फिरे रिप होई पीरित, समौ यानी समय बदल जाने के बाद, फिरे समय बदल जाने के बाद, रिप यानी शत्रु, होई हो जाते हैं प्रीते, अपने प्रिय भी शत्रु हो जाते हैं। ये भानु कमल कुल पोषण निहारा, बिनु जल जार करई सोई छाना, जरी तुम्हारी चाह सवत उखारी, रुंदौ करी उपाव बर भारी। एक छोटा सा भजन गाते हुए चलेंगे, क्योंकि कथा आगे बड़ी करुणों में रहेंगी। वो एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, हर वक्त की हाथों का एक
जहां बसती थी खुशियां आज है मातम वहां। वक्त था लाया बहरे वक्त है लाया तुझा। एक पल में हंसना है एक पल में रोना है। धर्म समय की कितने इंसान हो गए खुद को ना समझ वो पाए खुद से ही हो गए। मंथरा ने जब समझाया कि केकई अब ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या पे शनि की 7.5 चढ़ गई है। प्रिय भाषा में समझाया और केकई कपट गूढ़ प्रिय बातों में विश्वास कर बैठी और कहने लगी कि सुन मंथरा बात पूरी तोरी दहिन आँख नित फरक मोरी दिन प्रति देख रात कु सपने कहो न तो ही मोही बस अपने काह करो सकी शुद्ध स्वभाव दाहिन बामना जानिया का। केकई ने कहा मंथरा तेरी बात सच्ची है सुन मंथरा बात पुर तो तेरी बात सच्ची है। संकेत तो हमें भी मिलता है दाहिनी आंख हमारी रोज फड़कती है। स्त्री का दाहिना आंख अगर फड़कता है तो अपवाद और विवाद आने का संकेत है और पुरुष का अगर बाया फड़कता है तो चर्चा और विवाद से बच के रहना चाहिए। दिन प्रति देख हम रात को सपने रात दिन जब भी सहन करूं मैं बड़े उल्टे सीधे सपने देखती हूं लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सपने स्वप्न का भी बड़ा प्रभाव है। कथा में समय को देखते हुए स्वप्न में अगर आप किसी के हाथ से धन लेते हो तो रोगी होने का संकेत है। स्वप्न में अगर आप कहीं भी मल वगैरह दिखाई पड़ता है तो धन आने का संकेत है। स्वप्न में अगर नाग का डंस होता है और आप किसी को बताते नहीं तो गुप्त खजाना मिलने का संकेत है। बहुत सारी चीजें जब प्रत्यक्ष मिलेंगे ऐसे में पैसे से डॉक्टर हो। ये कथा तो अपने आनंद के लिए होता है धनार्जन कभी मैंने कथाओं से किया नहीं ना पैसे लेके कथा किया ना करूंगा। पैसे से डॉक्टर हूँ ईश्वर की दया से हमारा ज्यादा काम हर्बल इंडस्ट्री से होता है। अपने चलत न आज लगु अनबल काहु कीन कही अग एक कही बार मोही देव दशा दुख। कहती है कि कही कि का करूं सके शुद्ध भी स्वभाव
अरे सखी मंथरा, मेरा बड़ा सीधा सादा स्वभाव है, मैं इधर उधर की बात नहीं जानती, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, ईश्वर ने आज मुझे इतना बड़ा दुख दिया, अब क्या करूं। इतने अच्छे घरे, अब महिला नाराज हो तो क्या कहेगी, तिवारी बाबा मैं मायके चली जाऊं, ये नारी का स्वभाव। आगे वाली लाइन आप याद कर लीजिए, मैं भूल गया। केकई कहती है क्या करूं, अरे मंथरा तूने जो मुझे समझाया ना, अब मेरी समझ में आ गया कि नहीं हर जन्म भरब बर जाए, मुरवा बोले तो भावना, नहीं हर जन्म भरब बर जाए, मुरवा बोले तो आवना, की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, बालाजी के शरण में रहते, पर हम चा महाराष्ट्र तो सच चालते हैं, कह नहीं हर जन्म भरव बरुआई, अजियत करम न सवत सो पाई, कहती जाऊंगी पूरी जिंदगी अपने मायके में उजार लूंगी, जियत न करब सवत सव काई, जीते हुए अपनी सवत की सेवकाई यानी सेवा नहीं करूंगी, अरे बस देव जियावत जाही, ईश्वर की कृपा है जो जी रही हूं, नहीं तो सवत की सेवा करने से मर जाना अच्छा।